तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत होंगे। खुशामदीद चाहते हैं आपको अपने नए चैनल शेख रिव्यूज में। और आज की जो चीज हमारे पास प्रोडक्ट है वो काफी अमेजिंग है, लिटरली बहुत अमेजिंग है। कुछ दिनों पहले हमने i12 की भी अनबॉक्सिंग की थी, और वो भी हमने इसलिए की थी कि वो लो बजट में बहुत हाई क्वालिटी चीज है, और वो वाकई थी। उसका हमने रिव्यू किया था, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी आप लोग देख सकते, जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह आज भी हमने जो अनबॉक्सिंग लेके आए वो भी i12 के ही बजट में। i12 का जो बजट था मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में थे, और ये हैंड फ्री भी 600 रुपए की ही पड़ी है हमें। और आज हम इसकी भी क्वालिटी देखने वाले हैं, और i12 से हम अगर हो सका तो थोड़ा बहुत हम इसका मैच भी कर लेंगे। जो हैंड फ्री हमारे पास वो ये आप लोग देख सकते हैं। मॉडल कोई भी नहीं मुझे पता, ये चाइनीज कोई है, ठीक है। और वैसे इसका जो रैपर है ये मोबाइल केस का रैपर है, ठीक है। केस मोबाइल केस ऊपर लिखा गया आप देख सकते हो, लेकिन इसमें हैंड फ्री पैक करके उन्होंने हमें दे दिया। हालांकि केस का रैपर है मुझे नहीं पता। ये जो है हमें 600 रुपये की पड़ी है, ठीक है। हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी, और वैसे जो पिक्चर्स में अभी दिखाया गया था वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला जो फैक्ट हमें इसका देखने को मिल गया, जो हमने पिक्चर्स में देखी थी, पिक्चर जो हमने देखी थी आप लोग यहाँ देख सकते हो, और पिक्चर और असल में कितना फर्क है ये भी अभी आप लोग मैच कर सकते हो। हम फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद एंड पे हम इसका रिव्यू भी देखेंगे। हम फटाफट कर लेते हैं इसको अनबॉक्स से। सबसे पहले हम अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले इसके रैपर से हमने निकाल दिया, और सबसे पहले हमें इसकी जो चार्जिंग लीड है वो देखने को मिल रही है, जो कि टाइप A2 माइक्रो USB है, आप लोग देख सकते हो। और तार की क्वालिटी भी काफ़ी फिट है यार। अब हम अपनी मेन जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यार ये मैनुअल किस तरह आया है, हद है यार वैसे इस मैनुअल की। अच्छा, यहाँ पे हमें जो साथ हैंड फ्री मारी हमने निकाल लिया, और ये अब खाली है बिल्कुल केस। अच्छा, अगर हम इस हैंड फ्री की बात करें सबसे पहले, तो हैंड फ्री जो है ये आप लोग देख सकते हो, मतलब पिक्चर से तो मैच कर रही नहीं ना बिल्कुल भी। और जो जहाँ तक बात है इसकी, यहाँ पे अगर हम इसको पूरा खोल के देखें जा, अच्छा ये इतनी कोई लेंथ है, ये कॉलर हैंड फ्री है बेसिकली। अब हम मेरे ख्याल से इसको सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, तो बाकी हम चीज़ इसकी बाद में देख सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपने फ़ोन से। अब ये ऑन ऑफ का यहाँ पे वैसे इन्होंने सिस्टम दिया गया, अगर आपको नज़र आ रहा हो सही से, तो यहाँ पे हमें पावर बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन का दिख रहा है, और यहाँ पे डबल साइड में हमें माइक देखने को मिल रहा है जो कि ठीक ठाक है। मतलब माइक अच्छी चीज़ है यार, बाज हैंड फ्री जो होती है ना वो यहाँ पे कोई मतलब नहीं सही से वर्क कर पाती है। हम खैर इसका माइक का भी देख लेंगे। हम सबसे पहले इसकी ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं, हम यहाँ से इसको भी पावर ऑन कर लेते हैं, लेकिन हमें कैसे पता कैसे लगा कि पावर ऑन हो गई है भाई। पावर ऑन की यहाँ पे लाइट चल रही है, देख सकते हो ब्लू और रेड, इसका मतलब है कि ऑन होने के बिल्कुल तैयार है। यार ये कनेक्ट, ओ यही कनेक्ट हो गई है, ये कनेक्ट हो गई है। यानी कि एक जो फैक्ट हमें और देखने को मिल गया वो ये कि हमने जो चीज़ ऑर्डर की थी वो तो हमें नहीं आई, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट आई है वो भी बिल्कुल चाइनीज कॉपी है। यानी कि इवन नाम भी इसका ब्लूटूथ म्यूजिक है, क्या ही कर सकते हैं हम। मेरे ख्याल से हम इसको इसका कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं इसके, उसके बाद हम देख लेते हैं। इसको मैंने अपने कान पर लगा लिया, और अब हम इसको कोई म्यूज़िक वगैरह यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं। अच्छा, तो यार हम अब इसका साउंड जो है टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक वीडियो प्ले करके अपना देख लेते हैं साउंड इसका कैसा है। इसका साउंड जो मैं कह रहा था बहुत ही ऊंचा है, मतलब हाई, और मैंने इसका साउंड अभी फुल पे सुन रहा हूँ, और ये मुझे शायद बाहर किसी की आवाज़ भी ना आए, तो मैं शायद किसी को कहता हूँ कि कोई बोले। बोलो भाई। ओयो लोग आ रहा है, सही आवाज़ आ रही है। हेलो, आवाज़ आई आ रही है भाई। मैंने अपने कहा था उसने बोला, लेकिन मुझे लिटरली कोई आवाज़ नहीं आई इसकी, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई एक आवाज़ भी नहीं, क्योंकि इसका मैं फुल पे है शायद इस वजह से। तो हम इसको कुछ लोअर करके इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो हम इसको कुछ म्यूजिक्स पे भी टेस्ट कर लेते हैं इसका। A few moments later. कुछ म्यूजिक बताओ यार फेवरेट्स, जो पाकिस्तानी हो। म्यूजिक अभी नहीं, जो पाकिस्तानी हो, अली जफर नहीं, नहीं तलहान जो कवाली लगा ले भाई। यार सॉन्ग पे हम आ गए, तो ये अपने आप कनेक्ट हो गया था यार, क्या चक्कर है इसका। यूट्यूब ऐड की तो हैंड फ्री काफी मुझे तो बेहतरीन लग रही है। अब मेरे ख्याल से इसको बंद कर देते हैं, और अगर आपने इसको सॉन्ग के लिए लेना तो मैं एक फनी फैक्ट जरूर बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपने इसको सॉन्ग आपने लगा लिया अपने कानों में, इसको लगा कर आप सॉन्ग सुन रहे हो, और आपको घर में से किसी ने पीछे आवाज़ें दी हैं, तो आपको आवाज़ तो आने के पीछे से चित्र ही आना। फिर का माइक जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है, इसकी हमने प्रॉपर टेस्टिंग कर ली है माइक की, बेहतर है यार ये, ठीक है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी खासी ठीक ठाक है, मतलब ये क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ड्यूरेबिलिटी के लिए हम इसको लेकर जाएँ तो हम ले जाते हैं इसको, ड्यूरेबिलिटी भी आप लोग को दिखा देते हैं यार। ड्यूरेबिलिटी चेक हम करने लगे हैं इसकी,
वैसे तो मुझे भरोसा कोई नहीं, क्योंकि चाइनीज माल है ना, वो पूरा हो जाए तो मैंने उसको खींच के देखे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। बट फिर भी चलो, यहाँ पे तो ठीक है भाई, यहाँ पे तो कोई इस तरह का फॉल्ट नहीं है। ऊपर से फेंक के देख लूँ भाई, आप लोगों के लिए फेंक के देख लूँ, अभी भी सब्सक्राइब कर लो, सही तरह बता रहा हूँ भाई। ये टूट गई है, मुझे ऐसे फील आ रहा है जैसे पूरा हो गया। ओ भाई जिंदा है, मुबारक हो, नहीं टूटा, हर चीज़ बिल्कुल फिट है, काम का है यार, ठीक है प्रोडक्ट। हाँ है वैसे चाइनीज माल, ये बात है, लेकिन है काम की वैसे, मतलब सोंग में भी ठीक है। यहाँ से इसकी चार्जिंग लीड भी हमें देखने को मिल गई, और यहाँ से अभी ये चार्ज भी हो सकता है। इसका जो बैटरी टाइम है वो समथिंग मेरे ख्याल से, क्योंकि चाइनीज माल है तो इसका बैटरी का कोई हम भरोसा कर नहीं सकते। इसकी बैटरी हमने प्रॉपर टेस्ट नहीं की, लेकिन ये है कि यार ये वैसे जितना हमने भी इस वीडियो में टेस्ट किया मुझे काफ़ी बेहतर लगी है। और अगर हम इसकी बात करें रिकमेंडेशन की और इसकी रेटिंग की, तो मैं इसको जो रेट करना चाहूँगा 5 out of 3 करना चाहूँगा। और जो 3 की जो रीज़न है वो ये है कि यार सबसे पहले तो हमें जो चीज़ दिखाई गई थी वो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही। इसको मैं रेटिंग जो 5.3 दिया वो इसलिए दिया क्योंकि यार सबसे पहली बात तो ये चाइना का माल है और इसका कोई भरोसा नहीं है कब ये जवाब दे दे, इसलिए इसको मैंने थोड़ा कम रेट किया। और जहाँ तक बात है इसकी रिकमेंडेशन, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर तो आप लोगों को ये चीज़ लिटरली मिल रही है, मतलब अगर आपको कोई यकीन है कि आपको यही एंट्री मिलेगी, तो अगर आपके पास बजट भी कम है तो आप इसको ले लो भाई, ठीक है। क्योंकि अगर तो ये 400-500 में मिलती है तो ये ठीक है, समझ आता है, लेकिन ये मुझे जो पड़ी है वो 600 रुपये की पड़ी है, ठीक है। और 600 के ऊपर अगर आप डिलीवरी डाले तो 800 कम से कम बन ही जाता है। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको खरीदो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया चाइना का माल है और इसमें बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है इसका यार, कभी भी हो। अभी तो मैंने फेंक के देखा नहीं टूटा, क्या आप मैं दोबारा फेंकूँ तो टूट जाए। और इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब बेशक चाइना का, लेकिन इसमें साउंड क्वालिटी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमें। और ये की आज की वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मजीद इस तरह की मालूमात के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।